What's up everybody? Welcome back to another video. आज किस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है सभी के लिए. जो भी बच्चा 2020 में COVID-19 की सिचुएशन में अगर जे एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं दे पाया है, आपने रजिस्टर्ड किया लेकिन आपको चांस नहीं मिला एग्जामिनेशन देने के लिए, किसी भी कारणवश आप एब्सेंट हो गए, कंटेनमेंट जोन में आपका घर था या कुछ इसी प्रकार से, कि जो भी बच्चा जे एडवांस एग्जामिनेशन 2020 में नहीं दिया है उनको एक और चांस दिया जा रहा है रीअपियर होने का डायरेक्टली जे एडवांस 2021 में, मतलब 2021 में आप डायरेक्टली अपियर हो सकोगे जे एडवांस में. आपको जे मेंस क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने जे एडवांस का एग्जामिनेशन 2020 में नहीं दिया है तो. इसी के ऊपर रीसेंट डेवलपमेंट आई है, इसी के बारे में बात करेंगे. ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड जैप ने साफ साफ कहा है कि इस साल जो भी बच्चा एग्जामिनेशन नहीं दिया वो डायरेक्टली 2021 में एग्जामिनेशन दे सकता है. COVID-19 के पैंडेमिक को देखते हुए बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन को नहीं दिया और बहुत सारे बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप किया लेकिन एग्जामिनेशन नहीं दे पाया. तो इसके ऊपर जैप की मीटिंग हुई, इसमें IIT के अथॉरिटीज थे. IIT दिल्ली के जो राम गोपाल जी हैं जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है उसके बारे में बात करेंगे. बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट निकल के आई है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या अटेम्प्ट्स के बारे में होंगे, क्या आपको जे एडवांस के इससे पहले जे मेंस क्वालिफाई करना है, तो इसके बारे में अपडेट देने वाला हूँ. आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लो @PallavMansoorFilms. टेलीग्राम ऐप यूज़ करते हो जरूर से जाके ज्वाइन करना चैनल को. चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना. आपको बता दूं जो भी कैंडिडेट्स जे एडवांस एग्जामिनेशन इस साल 2020 में अगर नहीं दिया है COVID-19 के पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए, कोई भी कारण हो सकता है, अगर आपने नहीं दिया है तो आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में डायरेक्टली आप जे एडवांस एग्जामिनेशन दे सकते हो. आपको जे मेंस क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. इसकी जानकारी ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने मंगलवार को दी. उन्होंने कहा कि जो भी बच्चा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करके जे एडवांस में एलिजिबल था वो 21 में दे सकता है. आपको पता है कि जे मेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए कंडक्ट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में और जे एडवांस एग्जामिनेशन 23 IITs के लिए पूरे भारत में. जो भी बच्चा जे एडवांस में अपियर होता है उसके लिए एक चीज़ तो मैंडेटरी है कि वो जे मेंस क्लियर कर ले. करेंटली आपको इस साल की बात करें, मतलब इस साल क्या पूरे जे एडवांस की अगर बात करें, कैंडिडेट्स को 2 अटेम्प्ट्स अलाउ होते हैं IIT के लिए. IIT के लिए 2 अटेम्प्ट्स अलाउ होते हैं, या फिर वो फाइनल ईयर में हो या फिर सेकेंड अटेम्प्ट हो. लेकिन इस साल एक रिलैक्सेशन दी जा रही है, जो भी बच्चा अपियर नहीं हुआ है वो डायरेक्टली 2021 में अपियर हो सकता है. जो बच्चा 20 में अपियर नहीं हुआ सिर्फ उसी के लिए है, इस चीज़ का ध्यान रखना. जो बच्चा 20 में रजिस्ट्रेशन किया किसी कारणवश वो अपियर नहीं हुआ तो वो 21 में अपियर हो सकता है. इससे पहले आपको पता है कि डिमांड की जा रही थी कि जो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है जेई एडवांस में उसको बढ़ा दिया जाए स्टूडेंट्स के द्वारा, एकेडमियंस के द्वारा. सेवरल टाइम्स इसकी बात घोषणा की गई. तो जैसा कि आप साफ देख सकते हो, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अलाउ ऑल द कैंडिडेट्स हु हैड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू अपियर फॉर जेई एडवांस 2020 बट वेयर एबसेंट इन एग्जाम टू रीअपियर फॉर जेई एडवांस नेक्स्ट ईयर एज अ वन टाइम मेजर. तो जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन कर चुका है जे एडवांस के लिए और वो किसी कारणवश अपियर नहीं हुआ एग्जामिनेशन में तो वो अगले साल डायरेक्टली जे एडवांस एग्जामिनेशन में अपियर हो सकता है. ये आपका वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, मतलब उन बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिया. तो ये सिर्फ वन टाइम अपॉर्चुनिटी है सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए. अगर कोई बच्चा 2021 में जे एडवांस एग्जामिनेशन देना चाहता है तो जे मेंस क्लियर करना होगा, देन एडवांस वो दे सकता है. देख सकते हो ये ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए. जो भी कैंडिडेट्स ने जे मेंस क्वालिफाई किया, आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बच्चे क्लास 9, 10, 11 से तैयारी करते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी था. तो सक्सेसफुली जो भी कैंडिडेट्स जे मेंस को क्वालिफाई किया है उसको दोबारा क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी कि इसमें साफ साफ कहा गया है. देख सकते हो जे मेंस अगेन एंड विल बी अलाउड टू डायरेक्टली अपियर ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन टू अपियर इन जे एडवांस दिस ईयर. IIT के डायरेक्टर जो वी राम गोपाल राव उन्होंने इस बात की जानकारी दी. आपको पता है कि इस साल IIT एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी IIT दिल्ली पे थी और उन्होंने अच्छे से एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया. रिलैक्सेशन की बात करें तो एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी एडिशनल टू प्रोपोर्शनेट
रिलैक्सेशन ऑफ एज बार, इसमें कोई आपका जो एलिजिबिलिटी रिलैक्सेशन कोई मायने नहीं रखता है। सिंपली आपने अगर रजिस्टर्ड किया तो आप इजिली अपेयर हो सकते हो। दीज कैंडिडेट वुड बी कंसिडर्ड इन एडिशनल टू एज नॉट एज अ पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वुड क्वालिफाई फॉर जेई मेन इन 2021 फॉर अपियरिंग इन एडवांस। मिस्टर रावसे देखो, जो बच्चा जेई मेन्स 2021 में क्वालिफाई करेगा तो वो तो देगा ही, लेकिन इन बच्चों को उस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, इन सबको दूसरे कैटेगरी में रखा जाएगा। आपको पता है इस साल 250,000 कैंडिडेट्स एलिजिबल थे जेई एडवांस एग्जामिनेशन देने के लिए, लेकिन सिर्फ 150,000 स्टूडेंट्स ने ही एग्जामिनेशन दिया और उसमें से 43,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, जिसमें से 6,707 लड़कियाँ थी जिन्होंने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। जेई मेन्स आपको पता है NITs, IITs के लिए होता है और जेई एडवांस एग्जामिनेशन IITs के लिए होता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था इस एग्जामिनेशन को लेने के लिए। तब भी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया है COVID-19 के सिचुएशन में। आपको पता होगा अगर आपने जेई मेन्स और जेई एडवांस का एग्जामिनेशन दिया एंट्री पे, और आपको मास्क लगाना है, फिर आपको सैनिटाइज़र लगाते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है एग्जामिनेशन हॉल में, तो बहुत सारी प्रक्रिया की गई ताकि कोविड का कोई भी स्प्रेड ना हो, कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो, बच्चे सेफ रहें। तो बहुत सारी प्रक्रिया SOPs बनाई गई जो कि फॉलो प्रॉपरली हुई, तो इसने बच्चों को भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए थे और कोविड से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस थे वो बच्चों ने भी फॉलो किए, तो कुछ इस तरह से एग्जामिनेशन हुआ और ये कुछ अपडेट है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, इसके बाद भी कोई अगर अपडेट आता तो मैं सबसे पहले आप तक पहुँचा दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।